हेलो एवरीवन दिव्यांगशे फ्रॉम रेजोनेंस एन एसीजेस स्टेज वन का पेपर आज ही कंडक्ट हुआ है और उसका हम बायोलॉजी का एनालिसिस लेकर आ चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से पेपर कोड हमारा फिफ्टी वन है इसका क्वेश्चन नंबर वन अगर हम देखें तो इन एनिमल्स हार्ट इज द मेन पंपिंग स्टेशन सप्लाइंग एंड कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी ठीक है हमें पता है कि हार्ट पंपिंग स्टेशन है ब्लड का और वेरियस बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट भी करता है एंड सप्लाई भी करता है फॉलोइंग स्ट्रक्चर रेगुलेट द यूनिडनल फ्लो ऑफ ब्लड एंड फाउंड बिट्वीन लेफ्ट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल हमसे पूछा है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो ब्लड का यूनिडनल फ्लो को रेगुलेट करता है और लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच में मिलता है तो अगर हम राइट right साइड की बात करें तो हमें ट्राइक स्पीड वॉल्व मिलती है और अगर हम लेफ्ट साइड uh, की बात करें तो हमें वॉल्व को कंबाइनली हम माइट्रल वॉल्व बोल रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं सो द सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू यूनिट्स इन्वॉल्व इन मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्ट आर्क्स मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्ट आर्क्स में हमें कौन सी यूनिट है जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है तो हमारे पास चार ऑप्शन से इसमें स्टिमुलस रिसेप्टर एफरेंट नर्व ईफरेंट नर्व एंड इफेक्टर न्यूरॉन टू रिसेप्टर्स न्यूरॉन वन और मोर इंटरन्यूरॉनिकल न्यूरॉन एंड इफेक्टर न्यूरॉन वन रिसेप्टर न्यूरॉन वन और मोर इंटरन्यूनिकल न्यूरॉन एंड इफेक्टर न्यूरॉन एंड लास्टली वन रिसेप्टर न्यूरॉन ईफरेंट नर्व एंड इफेक्टर नर्व हमें पता होगा अगर तो सबसे पहले सिग्नल को रिसीव करता है रिसेप्टर उसे रिसीव करेंगे उसके बाद क्या होता है हमारे पास इफेक्टर न्यूरॉन होती है है ठीक या फिर न्यूरो नर्व हम बोल सकते हैं ये नर्व क्या करती है सिग्नल को लेकर जाती है सीएनएस तक लेकर जाएगी और सीएनएस से फिर से सिग्नल हमें मिलेगा तो मोटर नर्व उसे लेकर आएगी और उसके बाद इफेक्टर न्यूरॉन क्या करेगा हमारे एक्शन को आ, करवाएगा ठीक है तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी

पोमैटो एंड ब्रोमैटो पोटेटो और टमेटो के साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिडाइजेशन से या फिर प्रोटोप्लाज्मिक हाइब्रिडाइजेशन से हमें पोमैटो मिला है एंड ब्रिंजल एंड टमेटो के साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिडाइजेशन से हमें ब्रोमैटो मिला है फिर नया क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ इन अ काइंड ऑफ एनिमल टिश्यू ऑल सेल्स रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेमब्रेन बट द बेसल सेल्स डू नॉट रीच द फ्री सर्फेस ऑफ एपिथिलियम टू लेस ऑफ सेल्स

नाउ अगर हम बात करें फिनाइल थायोकार्बामाइट PTC हैज बिटर टेस्ट नॉन टेस्टिंग एबिलिटी इज रिपोर्टेड टू ड्यू टू रेसेसिव एलील ऑफ टेस्टर जीन इन रैंडम पॉपुलेशन अबाउट 30 परसेंट पीपल लैक द एबिलिटी टू टेस्ट पीटीसी अ नॉन टेस्टर वुमन इज मैरिड टू अ पीटीसी टेस्टर मैन and as three children the first two children are born as non testers what is the probability that their third child will be born as non -tester?

और एक टेस्टर मैन है जिसको पीटीसी टेस्ट होता है इनके बच्चे हुए इनके चिल्ड्रन हुए फर्स्ट टू चिल्ड्रन आर बॉर्न एज नॉन टेस्टर्स मतलब जो पहले दो चिल्ड्रन हुए उनको पीटीसी का टेस्ट नहीं आता तो जो थर्ड चिल्ड्रन है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसे पीटीसी यानी फिनाइल थियो का टेस्ट आए तो देखो इसमें जो पेरेंट है ना यानी कि जो आ, मैन है वो क्या है वो कैरियर है वो टेस्टिंग के जीन्स को लेकर जाएगा तो इट इज हेट्रोजाइगस टेस्टिंग के जीन्स की बात करें तो फिर देख लेते हैं टी एंड टी और वुमन क्या है नॉन टेस्टर है तो वो होमोजाइगस है उसके पास जीन्स टी टी स्मॉल टी इनका अगर हम क्रॉस कराएं टी 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 एंड तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं कि मैन क्या था हेट्रोजाइगस था यानी टी टीटी वो कैरियर था वो उस जीन को लेकर आ रहा था और वुमन क्या थी नॉन टेस्टर थी वो होमोजाइगस थी ऑब्वियसली तो जो हमने क्रॉस करके देखा तो हमने देखा यहाँ पर कि टीटी टीटी टी यानी दो तो हमें टेस्टर मिल गए एंड टीटी एंड टीटी दो हमें क्या मिल गए नॉन टेस्टर मिल गए तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि फिफ्टी परसेंट प्रोबेबिलिटी होगी कि जो थर्ड चिल्ड्रन भी उनका आएगा वो क्या होगा नॉन टेस्टर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन द डायग्राम प्रेजेंटेड हियर इज इज सेक्शनल व्यू ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इट्स हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक लेयर आर एज 1 2 3 4 व्हिच ऑफ दीस इज आर रिस्पांसिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ सी ट्वेंटी एंड कार्टिकोस्टेर हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो कार्टिसोल एंड कार्टिकोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करती है ठीक है अब इसमें हमें जर्मिनल लेयर ले इसमें हमें लेयर्स दे रखी है इसका सेक्शनल व्यू दे रखा है फर्स्ट की बात करें अगर हम ऊपर की लेयर की बात करें कैप्सूल फर्स्ट की बात करें तो इट इज जोना ग्लोमेरुलोसा। फर्स्ट क्या है हमारे पास ठीक है अगर हम सेकंड लेयर की बात करें तो इट इज जोना फैसिक्यूलेटा थर्ड लेयर की बात करें तो जोना रेटिकुलरिस। ठीक है तीन लेयर्स ही हमारे पास ऊपर कैप्सूल था और नीचे ये मेडुला वाला पार्ट हो गया तो कॉर्टेक्स पार्ट की बात करें तो तीन लेयर्स हैं और इन तीन लेयर में मेनली ज़ोना फेसिकुलेटा जो है वो क्या सीक्रेट करती है कॉर्टिकोस्टेरॉन या फिर सी21 कॉर्टिकोल कॉर्टिसोल को सीक्रेट करती है तो इसका करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो यहां पर दे रखा है ए फॉस्ट 10 थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ एंड सेकेंड एंड थर्ड यहां पर हमें इतना तो जरूर पता है कि जोना फैसिकुलेटा जो क्या करती है इट सीक्रेट्स कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉन हार्मोन। मेडुला कुछ भी सीक्रेट यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहा है सच तो इस अकॉर्डिंग हम कंसीडर करेंगे कि सेकेंड एंड थर्ड यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा

many cell divisions will be required to produce the desired fruit ठीक है इसमें हमें पूछा है कि कितना सेल डिवीजन लगेगा सीड के फॉर्मेशन में मतलब हमें क्या दे रखा है सपोज अ ब्रिंजल प्लांट हैज टू प्रोड्यूस 300 सीड्स इन अ पर्टिकुलर फ्रूट ठीक है एक फ्रूट में ब्रिंजल प्लांट को 300 सीड्स प्रोड्यूस करने हैं हाउ मेनी सेल डिविजन टू प्रोड्यूस द प्रोड्यूसायर्ड फ्रूट ये 300 सीड्स वाला फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए कितने सेल डिविजन हमें रिक्वायर्ड होंगे तो अगर हम बात करें मेल्स की भाई सीड्स का प्रोड्यूस होंगे सबसे पहले तो ये जानना होगा तो जब मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या प्रोड्यूस होते हैं सीड्स प्रोड्यूस होते हैं अब बात करते हैं अगर हम मेल की बात करें ठीक है वन माइक्रोस्पोर मदर सेल चार माइक्रोस्पोर बनाएगा हमारे पास ठीक है यह बात हमें पता ही अगर हम फीमेल्स की बात करें वन मेगास्पोर मदर सेल जो है वो क्या बनाएगा वन मेगास्पोर बनाएगा अब बनाता तो ये चार मेगा स्पोर ही है पर तीन क्या हो जाते हैं इसमें डी जनरेट हो जाते हैं तो अगर हमें मतलब चार मेगा माइक्रोस्पोर बना बना रहा है ये, और ये वन बना रहा है है ये ये और तो तो अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स की में थ्री हंड्रेड टाइम्स डिविजन करना होगा कितने टाइम्स डिवीजन करना होगा हमें 300 हंड्रेड टाइम तब जाके हमें 300 हंड्रेड मेगा स्पोर मिलेंगे आई बात समझ में और मेल्स में अगर हम 300 को 4 से डिवाइड करें तो हमें सेवेंटी फाइव टाइम्स डिविजन करना होगा तब हमें हमेंगे थ्री हंड्रेड माइक्रोस्पोर मिलेंगे तो जब ये थ्री हंड्रेड माइक्रोस्पोर इन थ्री हंड्रेड माइक्रो सॉरी ये थ्री हंड्रेड मेगा स्पोर इन थ्री हंड्रेड माइक्रोस्पोर से आ, फ्यूज करेंगे तो क्या मिलेंगे हमें थ्री हंड्रेड सीड्स मिलेंगे अब तो इसका आंसर क्या होगा थ्री सेवेंटी फाइव मियॉटिक डिविजन मियोटिक क्यों क्योंकि एक से चार्लांटेडर्डिक एनाटोमिकलली क्रेनियल कैनाल्स ज्यादा डिटेल में नहीं जाते डायरेक्टली मैं बता रहा हूं स्टेम एक ऐसा प्लांट है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स द करेक्ट ऑप्शन now the question number 11 the secondary constriction on the chromosome always has a constant position therefore it can be used as marker to identify specific chromosomes in addition to centromere one or more secondary constrictions can be observed in a metaphase stage chromosomes these chromosomes are called satellite or sat chromosome in man they are usually associated with short arm or acrocentric chromosome select the correct options for such types of क्रोमोजोम देखो हमें कुछ भी नहीं इनका नंबर पूछा हुआ है सैट क्रोमोजोम्स का मेल्स में एक स्पेसिफिक नंबर मतलब ह्यूमंस में एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस वाले क्रोमोजोम रहते हैं दैट इज ऑप्शन बी थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू इन सम प्लांट्स अच्छा क्वेश्चन ट्वेल्व इन सम प्लांट सेकेंडरी सेल वॉल हैज डिप्रेशन और पिट्स एडजेसेंट पिट्स आर सेपरेटेड बाय मिडिल लैमिला and the 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 primary cell wall together forming the pit membrane. Which of the following is thickening formed on प्राइमरी सेल वॉल टूगेदर फॉर्मिंग दिट मेम्रेन विच ऑफ दिकनिंग है वो तो वो कौन सी थिकनिंग होगी तो द अब क्वेश्चन थर्टीन कंफ्यूजिंग है थोड़ा इसका लेवल भी थोड़ा सा हार्ड है the arrangement of flowers and their mode of distribution on the shoot system is characteristic to a particular plant the diagrammatic presentation given here with illustrates various type of inflorescence select the options exemplifying a kind of cymose type हमें इसमें से पूछा है कि साइमोस टाइप कौन कौन सा है सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि साइमोस टाइप क्या होता है जिसकी मेन ब्रांच फ्लावर में जाके टर्मिनेट करती है दैट इज साइमोस टाइप क्या बोला मैंने मेन ब्रांच फ्लावर में जाके टर्मिनेट करेगी तो इट इज टाइप फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट फर्स्ट और थर्ड क्या है साइमोस टाइप है इसके ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे सिर्फ इतना बता रहा हूँ जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट और थर्ड करके आए इसका आंसर दैट इज करेक्ट फॉर देम ये दो क्या है साइमोस टाइप है इट इज अ मॉडिफाइड जो थर्ड वाला है साइमोस का क्या है एक मॉडिफाइड टाइप है विच इज अ काइंड ऑफ साइमोस इन दोनों की क्या है मेन ब्रांचेस जो है वो फ्लावर में जाके क्या कर रही है टर्मिनेट कर रही है तो अगर हम क्वेश्चन 14 की बात करें तो इसमें हमें है, में ऐसी कौन सी जीन है जो इन्वॉल्व नहीं होती डायरेक्टली देखो तो इसका सीधा आंसर है प्रोटो ऑनको जीन्स प्रोटो ऑनको जीन्स ऐसी जीन्स है जो मेब्रोन मेमिलियन एम्ब्रियोजेनेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है ऐसा क्यों देखो प्रोटो ऑनको जीन्स सीधी सी बात है अगर यूं तो नॉर्मल सेल डिवीजन में हेल्प करती है बट अपॉन म्यूटेशन ये कैंसरस बन जाती है इसलिए डायरेक्टली ये मेमिलियन एम्ब्रोजिनेसिस में तो हेल्प नहीं करती है इन्वॉल्व नहीं होती आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ड्यूरिंग टाइप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकरिंग एट अकरिंग एट नाइट वाइल आर स्टिल ओपन द फर्स्ट स्टेप इज कॉम्बिनेशन ऑफ सी टू विच फॉस्को इनोल पायरोन ऑक्जेलो एसिटेट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ रात के टाइम ओपन है, है स्कोटो स्टोमेटा बोलते हैं ठीक है इसे, अब रात में ओपन है तो कैम्प्लाट्स की बात कर रहे हैं कैम्प्लाट्स में फिक्सेशन और कैम्प्लांट का सीधा सीधा एग्जाम्पल है एलो ऑप्शन सी का आंसर है ठीक है

रहती inter -femoral membrane enclosed रहती ठीक है। है है। जो में ज़्यादा इतना नहीं दे रहा मैं बता रहा हूं आपने बैट को कभी देखा हो तो पीछे से ऐसा कुछ रहता है और उसकी टेल ऐसे इंक्लूज रहती है membrane के अंदर, अलग से नहीं रहती है ना तो इसका कैरोप्टेरा का भी ऑप्शन जो सेकंड का फर्स्ट है इट इज ऑल्सो करेक्ट आर्म डिलो आपने अगर देखा हो एक सैंड आ, सैंड में मिलने वाला एनिमल रहता है मोस्टली सैंड एरियाज में मिलता है उसका दे रखा है हमें थर्ड का सेकंड टूथलेस देखो टूथलेस ही नहीं होता तो ये ऑप्शन वहीं पर गलत हो जाता है आर्मोडीलो टूथलेस नहीं होता ना ये पोलियम ब्र नहीं होता नाउ प्रोबोसिडा अब प्रोबोसिडा का दे रखा है हमें बेलिन बेलिन क्या होते हैं देखो प्रोबोसिडा तो क्या है हाथी के दो ताग आगे से निकले हुए रहते हैं वो एक कैरेक्टरिस्टिक है अब बेलिन क्या होता है आ बेलिन इज अ हेयर लाइक या कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन मैमल्स सच एज व्हील्स व्हील्स में ये हेयर लाइक या कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि केराटिन प्रोटीन से बनता है तो ये एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट ऑर्डर है एंड दिस इज अ टोटली डिफरेंट कैरेक्टर तो ये तो टर्मिनेट हो जाते हैं ऑप्शंस थर्ड एंड फोर्थ तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड बी

स्टडी से एक क्वेश्चन है हमें इसमें ज्यादा मतलब आपको ऐसा नहीं है कि लॉजिकल क्वेश्चन है स्टडी दे रखी थी अगर स्टडी आपको पता होगी तो उससे एक क्वेश्चन है ये इसमें पूछा है कि पेडिग्री बैगर्स और की पेडिग्री के कौन कौन है तो इसका आंसर है बी एंड डी कैलिकैक्स ऑफ अमेरिका भी नहीं है जीरो फैमिली ऑफ स्विट्जरलैंड एंड ज्यूक्स ऑफ न्यूयॉर्क आर द राइट ऑप्शन फॉर इट बी एंड डी इसका एक आंसर है। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहां पर आया होगा। इसका लेवल भी हार्ड था इसमें डायरेक्टली हम आंसर्स की बात करेंगे में जाने में बहुत लग जाएगा। is, देखो, दिमाग नहीं लगाना इसमें मैं सीधा बता रहा हूं जियोट्रोपिज्म को या ग्रेविट्रोपिज्म को बेस्ट एक्सप्लेन कौन कर रहा है कौन सा ऑप्शन कर रहा है स्टेटोलिट्स विद सेडिमेंट इन द जनरेशन ऑफ अलट कॉजेज सिमेट्रिक ग्रोथ सिमेट्रिक ग्रोथ टूवर्ड्स ठीक है रूट कैप के सेल्स इसमें हेल्प कर रहे हैं कौन से सेल्स कॉलुमिला सेल्स अब नाउ ऑक्सीजन इनफ्लक्स एंड कैरियर्स फैसिलेट क्रिएशन ऑफ डिफरेंट ऑक्सीजन ग्रेडियंट बिटवीन द अपर एंड लोअर साइड ऑफ ग्रेवी स्टिम्युलेटेड रूट्स दिस कॉसेस डिफरेंशियल ग्रोथ रिस्पॉन्स इन द ग्रेवी दिस्पॉन्डिंग टिश्यू ऑफ द दलोंगेशन जोन लीडिंग टू द रूट कर्वेचर ठीक है ये ऑप्शन भी सही है ये ऑप्शन भी सही है सी ऑप्शन भी

फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच फोटोफॉसफोराइलेन ऑफ एडीपी जनरेट एटीपी अकर्स हेल्प ऑफ सनलाइट द प्रोसेस इज नोन एज फोटोफोस्फोराइलेसन ओनली टू सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर एक्सेलेबल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. सनलाइट एंड रिडक्शन ऑक्सीडेशन ठीक है यू दे रखा है कि दो ही एनर्जी के सोर्सेज होते हैं लिविंग ऑर्गेजम के पास सनलाइट और रेडॉक्स रिएक्शन फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन अकरिंग इन द ग्रीन प्लांट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू साइक्लिकोटो फॉस्फोराइजेशन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के हमारे पास ऑप्शन दे रखें कि साइक्लिक में ये रिक्वायरमेंट है नॉन साइक्लिक में ये रिक्वायरमेंट है तो अब इन ऑप्शन में भी से बताओ कि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है तो फोटो सिस्टम टू इज नॉट इन्वॉल्व ठीक है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व नहीं होता एंड ओनली ए टीपी मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड नो एन एडीएच ए टीपी मॉलिक्यूल्स ही बनते हैं एनएडीएच मॉलिक्यूल्स यहाँ पर नहीं बनते वाटर रिक्वायर नहीं होता पी सिक्सटी एक्टिवेशन रिएक्शन सेंटर भी नहीं होता ठीक है तो इसके करेक्ट ऑप्शन है ए और बी और इसी के साथ हमारा पेपर डिस्कशन बायोलॉजी का यहां पर खत्म होता है थैंक यू